आईपीएल 2022 का मैच नंबर 13 रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम ने बहुत ही थ्रिलर तरीके से अपने नाम किया। 4 विकेट से मुकाबला जीतने में कामयाब रही बैंगलोर की टीम। इस सीजन की लगातार दूसरी जीत है इनका। पहला मुकाबला हारने के बाद इन्होंने बेहतरीन वापसी करी है इस सीजन। कोलकाता को हराया इस बार, फिर राजस्थान को हराया, जो दोनों ही पॉइंट्स टेबल में समय टॉप ऑफ द टेबल बैठी है, जहां पहले पर राजस्थान तो दूसरे पर कोलकाता। इन दोनों टीमों को बैंगलोर ने हराया और बहुत ही शर्मनाक तरीके से हराया। आप सभी को बताएं, इस जीत के हीरो दिनेश कार्तिक रहे, लेकिन शाहबाज अहमद ने भी उतनी ही भूमिका अदा करी थी। राजस्थान ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के लिए 170 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसमें 70 रन की पारी खेली थी जॉस बटलर ने, और उसके बाद दूसरे छोर से भी शिमरन हेटमायर ने बल्ले से आग उगला था, जहां पर उनके बल्ले से हम सभी ने देखा कि 31 गेंदों में 42 रन निकले थे। देवदत्त पडिकल जो पहले आरसीबी से खेलते थे, उन्होंने भी 29 गेंदों पर 37 रन बनाए थे, लेकिन जब बारी गेंदबाजी की आई राजस्थान की, तो दोस्तों हम सभी ने देखा किस तरीके से राजस्थान के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए युजवेंद्र चहल और नवदीप सैनी, जो पहले आरसीबी से ही खेलते थे, वो खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से शुरुआत में 5 विकेट 87 रन यानी कि 87 रन पर ही गिर चुके थे टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। बेंगलोर के मुसीबत में फंस चुकी थी बेंगलोर की टीम, जहां पर फैफ डु प्लेसिस, अनुज रावत, विराट कोहली, डेविड विले, शेरफन रदरफोर्ड जैसे विस्फोटक बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके थे, लेकिन इसके बाद मैच में वापसी कराता है 27 साल का ऑलराउंडर दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर। जी हाँ दोस्तों, शाहबाज अहमद की, आपको बता दें आईपीएल में इसके पास 16 मैच खेलने का ही एक्सपीरियंस है, लेकिन पिछले मुकाबले में कुछ इस तरीके से बल्लेबाजी करी कि मानो 160 से ज़्यादा मैच खेल चुका है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में आरसीबी की टीम को जीत दिलाई 4 विकेट से, इसमें भूमिका इस खिलाड़ी की रही। 87 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन दिनेश कार्तिक और शाहबाज अहमद की तूफानी पारी ने राजस्थान के हाथों से मैच छीन लिया। आरसीबी की करीबी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले ऑलराउंडर शाहबाज अहमद ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया। 27 साल के शाहबाज ने 26 गेंदों पर 45 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। शाहबाज को 18वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने बोल्ड किया, लेकिन तब तक उन्होंने टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया था। उसके बाद दिनेश कार्तिक थे, हर्षल पटेल थे, वानिंदु असरंगा थे, सब यहां पर थे जो मैच जिताने के लिए काफी थे। शाहबाज ने इस मैच से पहले भी केकेआर के खिलाफ 20 गेंदों में 27 रन की पारी खेली थी। शाहबाज को आरसीबी ने आईपीएल के मेगा ऑक्शन में इस साल 2,40,00,000 की बड़ी रकम पर खरीदा था, क्योंकि पिछले सीजन भी आरसीबी के लिए उन्होंने बेहतरीन काम करके दिया था। शाहबाज गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, और ये जिस तरीके से इस मुकाबले में जीत दिलाई, से साफ पता चल गया कि अंडर प्रेशर गेम खेलने के लिए भी खिलाड़ी माहिर है। आपको बता दें कि शाहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक ने जो पार्टनरशिप करी थी 6 विकेट के लिए, वो 33 गेंदों में 67 रन की थी, जिसमें 14वें और 15वें ओवर में करीब 37 रन बटोरे थे इन दोनों खिलाड़ियों ने, जो मैच में वापसी कराने के लिए काफ़ी था। और वो ओवर रविचंद्रन अश्विन और नवदीप सैनी ने डाले थे, जो काफ़ी कीमती रहे थे, लेकिन शाहबाज अहमद की बेहतरीन पारी रही थी। और जब शाहबाज अहमद का विकेट गिरा, तब तक इन्होंने 26 गेंदों में 45 रन यानी 26 बॉल में 45 रन, 4 चौके, 3 छक्कों की बदौलत मारे थे। 173 का इनका इस बीच स्ट्राइक रेट था, और इनका विकेट गिरा था 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब टीम का स्कोर 154 रन पहुंच चुका था। वहां से सिर्फ 16 रन जीत के लिए चाहिए थे, वो भी 13 गेंदों में, जो कि आसानी से दिनेश कार्तिक और हर्षल पटेल ने लास्ट में रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। दिनेश कार्तिक मैन ऑफ द मैच रहे 23 गेंदों में 44 रन की पारी के लिए, लेकिन शाहबाज अहमद इतनी कम उम्र में इतना बेहतरीन खेल दिखाने के लिए सब इनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।